Good morning, students. Class 5th, science. And today's we have discussed about how do sense organ work. The eyes, ear, nose, tongue and skin are sense organs. Sense organ gather information from the surrounding and send it to brain. तो जितने सेंस ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं बॉडी में, आईज, ईयर, नोज, टंग्स एंड स्किन. तो इनसे क्या है कि जितनी भी चीज़ें इनके सराउंडिंग होती हैं वो ब्रेन में सेंड हो जाती हैं. आईज, वी सी विथ आवर आईज, ईच आई हैज ए लेंस. हम आई से, आँखों से देखते हैं और ईच आई हैज लेंस, सभी आईज में क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है. व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट द लाइट पासेस थ्रू द लेंस एंड फॉर्म्स द इमेज इनसाइड द आईज. दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू ए मैसेज आर इम्पल्स. दिस मैसेज इज कैरीड टू ब्रेन बाय द नर्व. द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन टू हेल्प द अस रिकॉग्नाइज इट. दिस इज हाउ टू सी थिंग्स. तो आईज में जो लेंस पाया जाता है उस पर लाइट पास होती है और इमेज उस पर बनती है और वो इमेज जो है मैसेज के रूप में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक पहुंचती है. ब्रेन के पास जो नर्व होती है आईज की, उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं और वही नर्व ब्रेन, वही नर्व ब्रेन में पहुंचकर इंफॉर्मेशन को हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में, देखने में, और फिर हम जान पाते हैं कि क्या है या क्या हम सीन कर रहे हैं. ईयर्स, वी हेयर विथ आवर ईयर्स. हमें अपने कानों से सुनते हैं हम सभी. इनसाइड द ईयर देयर इज ए ईयर ड्रम. ईयर में ईयर ड्रम पाया जाता है. ईयर ड्रम जो है वो पतला सा मेम्ब्रेन होता है उसमें. द साउंड इंटर टू ईयर एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम. साउंड जब इंटर होता है ईयर में और वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देता. द नर्व्स प्रेजेंट इन द ईयर सेंस दीज वाइब्रेशन एंड कैरी द इम्पल्स टू द ब्रेन. तो जो नर्व है प्रेजेंट ईयर में वो वाइब्रेट होती है और इम्पल्स को कैरी करके ब्रेन तक पहुँचाती है और इस प्रोसेस में ये कि इससे रिकोगनाइज होता है कि कौन सा साउंड है या कौन सी आवाज़ है या किसकी आवाज़ है. नोज, वी स्मेल विथ आवर नोज. हम अपनी नोज से स्मेल करते हैं. द नर्व्स इनसाइड द नोज पिक अप द स्मेल कन्वर्ट इट इनटू ए मैसेज आर एंड कैरी इट टू द ब्रेन. तो जो है मैसेज कन्वर्ट करता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है. ऑल्फैक्टरी नर्व्स पाई जाती हैं और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि हम किस तरह की स्मेल हमको मिल रही है. द टंग हैज ए टेस्ट बर्ड विच सेंस डिफरेंट टेस्ट. द टेस्ट बर्ड इज कनेक्टेड टू द नर्व एंड वेन द प्लेस ऑफ फूड इन आवर माउथ द टेस्ट बर्ड इन सेंस द टेस्ट. द नर्व कैरी टू इम्पल्स एंड द ब्रेन एंड द ब्रेन रिकोगनाइज टू मैसेज टू हेल्प टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड. तो हमारी जो टंग है वो टेस्ट, उस पर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं और उस पर अलग अलग बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं और वो सब सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं, नर्व से जुड़े होते हैं. जब हम किसी फूड को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो हमारे ब्रेन तक वो नर्व कैरी होता है इम्पल्स और फिर हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं हमने किस तरह का फूड ईट किया है. स्किन, वी ऑफन फील थिंग्स विद द टिप ऑफ आवर फिंगर. द स्किन इज रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स. इट हेल्प्स अस टू सेंस पेन, टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड एंड फील थिंग्स. तो जो स्किन है वो रिचली सप्लाइड होती, ढेर सारी इसमें नर्व सप्लाइड होती हैं और हमें पेन या हार्ट, कोल्ड, टेम्परेचर और फीलिंग महसूस होती है. डिड यू नो डैट द स्किन इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट इज़ द सेंस ऑर्गन. इट एक्ट ए वाटर प्रूफ कवरिंग गार्ड ऑफ बॉडी अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर, हरेस सनलाइट एंड हार्मफुल केमिकल एंड जम्स. तो हमारी स्किन जो है लार्जेस्ट एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है और ये सेंस ऑर्गन है और ये वाटर प्रूफ होती है और हमारी रक्षा करती है किससे, टेम्परेचर से, सनलाइट के हरासमेंट से, हार्मफुल केमिकल और जम से. थैंक यू स्टूडेंट.